विजया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया तो भगवान श्री राम वानर सेना की मदद से रावण की लंका पर चढ़ाई करने के लिए विशाल सिंधु तट पर आए। लंका पर चढ़ाई कैसे की जाए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके सामने विशाल समुद्र को पार करना एक चुनौती थी। उन्होंने समुद्र से ही लंका पर चढ़ाई करने के लिए मार्ग मांगा, लेकिन वे असफल रहे। फिर प्रभु राम ने ऋषि मुनियों से इसका उपाय पूछा। पास ही दालभ्य मुनि का आश्रम था। श्री राम जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर उनके आश्रम पहुंचे और दंडवत प्रणाम कर समुद्र पार करने का उपाय पूछा तो मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, यदि आप अपनी सेना सहित इसका व्रत करें तो न केवल सागर पार करना संभव होगा बल्कि आपको लंका पर विजय भी प्राप्त हो जाएगी। किसी भी शुभ कार्य की सिद्धि के लिए व्रत करने का विधान है। मुनि की आज्ञा से सभी ने विजया एकादशी का व्रत किया और फिर प्रभु रामेश्वर का पूजन भी किया। इसी के फलस्वरूप उन्हें लंका पर विजय प्राप्त हुई। इस व्रत को करने तथा व्रत कथा के श्रवण से सदा विजय की प्राप्ति होती है। व्रत महिमा। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इसे विजया एकादशी का व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि चढ़ाया जाता है, साथ ही सप्त अन्न युक्त घट स्थापित किया जाता है। आज के दिन अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है और प्रत्येक कार्य में विजय प्राप्त होती है।